नवसारी सत्यसाई शाला ना विद्यार्थियों वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ने आजादी नी चळवळ मां गुमनाम लड़वैया विषय पर पोस्टर लखवामां आव्या छे। आजादी नी लड़त मां गुमनाम लड़वैयाओं ने आजे पण तेमना त्याग अने बलिदान बदल पुरस्कृत के याद करवामां नथी आवता ते अनोखा विषय पर पोस्टकार्ड लखवामां आव्या छे। भारत देश में अंग्रेजों लांबा समय सुधी शासन चलाव्यु छे ज्यारे अंग्रेजों ने भारत माथी तेड़वा माटे अनेक क्रांतिवीरोए पोताना जीव ने होवी दीधो हतो अने अनमोल आजादी ने प्राप्त करी हती त्यारे भारत देश में एवा लाखों गुमनाम क्रांतिकारीओ छे के जेनुं नाम इतिहासना पाना उपरथी भूसाई गयुं छे अने आजे तेमने कोई याद करतुं नथी। त्यारे आजादी नी चळवळना गुमनाम लड़वैया जेवा एक अनोखा अने रसप्रद विषय साथे सत्यसाई शाळाना 400 विद्यार्थीओए उत्साहभेर भाग लीधो छे। है आज़ादी का अमृत महोत्सव। सबसे पहले तो मैं सभी भारतीयों को इस बात की हार्दिक बधाई देता हूँ और इस अमृत महोत्सव के नाम पे जो ये नया उपक्रम करवाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा कि बच्चों के खुद से उनकी कल्पना शक्ति द्वारा दो निबंध उनसे लिखवाए जा रहे हैं। एक माई विजन फॉर इंडिया 2047 मेरे कल्पना का भारत 2047 में, क्योंकि 2047 में हमें आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे तो हम बच्चों से उनकी कल्पना शक्ति को जागृत करके हम ये चाहते हैं कि वो खुद नए नए विकल्प हमारे सामने लाए, नए नए आइडियाज़, नई नई अभिव्यक्ति वो हमारे सामने करें ताकि हमें पता चले आगे इस देश को हमें किस ओर से चलाना है। जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ द नेशन आर पिलर्स ऑफ द नेशन, दे आर फ्यूचर्स ऑफ टुमारो। हम इस देश को चलाना चाहते हैं अगर यशस्वी तरीके से तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी नई पीढ़ी करेगी। तो दो विषय जो बड़े महत्वपूर्ण विषय उन्हें दिए गए थे, पहला आज़ादी के गुमनाम सिपाही, इस विषय पर हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे आज़ादी के सिपाहियों के नाम लिखे हैं जो हमारे इतिहास के पुस्तकों में नहीं है, क्योंकि इतिहास के पुस्तकों की एक मर्यादा होती है, उससे ज़्यादा हम उसमें नाम डाल नहीं सकते। तो हम उन लोगों को भूल नहीं सकते जिन्होंने अपनी शहादत दी है देश के लिए, शायद वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं आ सके तो उनके नाम इस मिशन के द्वारा हासिल हुए। और दूसरा बच्चों की कल्पना शक्ति को चालना मिली, बच्चों ने कई सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए हैं कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी में एडवांस हो सकते हैं, किस तरीके से हम इंटरनेट रिवॉल्यूशन लाएंगे और किस तरीके से 2047 में इस देश को पूरी तरह से एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित देश बनाएंगे। જેમાં પોસ્ટ વિભાગનો પણ તેમને સહયોગ મળ્યો હતો। આઝાદીની ચળવળના ગુમનામ નાયકોને સમગ્ર વિદ્યાર્થીઓના માધ્યમથી ફરીવાર યાદ કરવામાં આવ્યા હતા। વિદ્યાર્થીઓએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યને ઉત્કૃષ્ટ ગણાવી પત્રમાં તેમની સહમતિના વખાણ પણ કર્યા હતા। બાળકોનો ઉત્સાહ વધારવા માટે શાળાના આચાર્ય અને શિક્ષકો દ્વારા માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું। એનટીસી ન્યૂઝ નવસારી।